केंद्रीय कर्मचारियों को होली की खुशखबरी देते हुए सरकार ने महंगाई भत्ते में 6% इजाफे को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 सालों में 1 करोड़ पक्के घर बनाने की भी मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 119% से बढ़कर 125% हो जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए होली की खुशखबरी देना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने उनको एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स ड्यू फ्रॉम 1 जनवरी 2016 का निर्णय किया है। इसके कारण लगभग 50 लाख कर्मचारी और 58 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके अलावा एक अहम फैसले के तहत कैबिनेट ने देश के ग्रामीण इलाकों में सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए 2.95 करोड़ आवास बनाने के लक्ष्य वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 3 साल में सरकार 1 करोड़ पक्के मकान बनाएगी। 2.95 करोड़ मकान बनने हैं ग्रामीण क्षेत्र में हाउसिंग फॉर ऑल के लिए। हर यूनिट को 1,20,000 रुपये प्लेन एरियाज में और 1,30,000 रुपये हिली और डिफिकल्ट एरियाज में हम प्रावधान करेंगे। तो 16-17 से 18-19 के बीच में हम 1 करोड़ मकान को बनाएंगे। कैबिनेट ने खेती बाड़ी से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने खाद के उचित इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पोषण आधारित खाद सब्सिडी को लागू करने को भी अपनी मंजूरी दे दी है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर फॉर ईयर 16-17 को अप्रूव कर दिया है एंड द टोटल सब्सिडी इंप्लीकेशन वर्क्स आउट टू 21,274 करोड़। गौरतलब है कि सरकार देश में उर्वरक के सही उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। इस दिशा में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। पहले ही देश में नीम कोटेड यूरिया का फैसला लिया जा चुका है, जिससे यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगी है। शैलेंद्र मिश्र, DD News, दिल्ली।